मोदी जी ने स्वागत किया। शहर कांग्रेस कमेटी आगरा के जुड़ारू क्या कहना चाहिए कांग्रेस की सरकारी पर आज के इस कार्यक्रम पर? आज मैं पहली बार आगरा आया हूँ। आगरा के लोगों ने जो इसने जो प्यार दिया है, सबसे पहले उन सब आगरा वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। आगरा की धरती पे आज जो उत्साह महिलाओं में दिखा, उससे ये एहसास होने लगा है कि कांग्रेस अब बोलने लगी है। और जो कार्यक्रम माया मौर ने जो किया, हमारी शहर अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित जी ने, जिला शहर अध्यक्ष मुकेश जी ने आज जो कार्यक्रम आयोजित किया, ये कार्यक्रम शहीद पार्क में, जो हमारे पिछले साल हमारे जो 40 जवान शहीद हो गए थे, उन शहीदों के याद में आज इस शहीद पार्क में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जितनी यहाँ भी जो शहीद पार्क में जो लोग, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, दिल्ली में अभी जीरो जो चुनाव हुए, कोई सीट कांग्रेस नहीं ला पाई, लखनऊ में 20 सीटें विधायकों की, यूपी में थोड़ा कम है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से जनाधार बढ़ाने की? ऐसा है, कभी भाजपा की 2 सीट हुआ करती थी, और अगर कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं लाई है तो कांग्रेस की जो किया हुआ है, जो कांग्रेस ने दिल्ली को दिया है, शीला दीक्षित ने जो दिल्ली को दिल्ली बनाया है, प्रदेश बनाया है, वो आप सब देख सकते हो। दिल्ली की जनता है, जनता जब किसको प्यार दे दे, ये जनता के ऊपर होता है, जनता जनार्दन करने ही कल ही करने वाले थे, लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी इस किसानों की समस्याओं के लिए जो 40 दिन का प्रोग्राम लगा हुआ है, हम लोग उसमें थे। लेकिन हर साल बहनों का सम्मान तो किया जाता है, लेकिन ये सम्मान जो हम कर रहे हैं वो शहीदों के नाम पर था। शहीदों का मतलब ये था कि जो हमारे ये देश पर हमारे यहाँ के संतोष कुमार रावत जी ने जो कल शहादत दी थी, पुलवा और संतोष कुमार जी हैं भदौरिया, और ये संतोष कुमार रावत दोनों हैं, जो संतोष कुमार भदौरिया हैं वो थे हमारे बाहर विधानसभा के रहने वाले। लेकिन ये पुलवामा में जो शहादत हुई है, ये किस तरह से क्या सुनियोजित थी, लेकिन उसके बारे में मैं ना कह के, क्योंकि ये मेरे देश के लाल शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। उनके सम्मान में हम अपनी बहनों को यहाँ, और असहाय जो महिलाएं हैं, विधवा महिला हैं, जो बेचारी गरीब महिला हैं, उनको ये एक सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके बीच में और आपस में ये सम्मान के लिए बुलाया था। दूसरी ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है कि महिलाओं की काफ़ी दिनों से आवाज़ थी कि हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, हम लोग किस तरह से पीड़ित हैं, उन बातों के समझ से। लेकिन चूँकि यहाँ आज विधायक जी को हमने बुलाया, विधायक जी ने भी जाना कि आगरा में क्या स्थिति है महिलाओं की। माननीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर से ही आदेश है कि हमारी महिला शक्ति मजबूत है, उन महिलाओं की आवाज़ ये आने चाहिए। तो ये यहाँ आकर हमने दिखाया कि गरीब और असहाय, और हमारे इसमें शहीद परिवार के भी सदस्य आए हुए थे, तो उनको भी यहाँ हमने बुलाया था और विधायक जी से मिलवाया है। तो मुख्य कारण यही है कि हम कोई असहाय न समझें। एक बड़ा सवाल है, दिल्ली चुनावों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई जी, तो क्या कहना चाहें, क्या बड़ी वजह है? देखो, हमारी सीट नहीं आई है, लेकिन ये तो आप लोग कह रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है हर स्तर पर। वहाँ विकास के नाम पर देखा गया है, विकास वोट दे रहा है, अभी हमारी सरकार तो नहीं थी, विकास करने का वादा किया था जनता के बीच, जनता ने देखा सुना, लेकिन वहाँ जो विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी की थी। आप मानिए, जो नाक है, राजधानी है, जहाँ प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस अपनी जगह को नहीं बचा पाए। यूपी में देखो, हर जगह वादे करते हैं, इतने जुमलेबाजी के इतने झूठे, लेकिन वहाँ से आपको ये देश को ये दिखा दिया, यूपी को दिखा दिया कि अब जुमलेबाजी से पेट नहीं भरेगा, रोटी से कपड़ा से पेट भरेगा, तन से ढकेगा। इसलिए विकास की बात होनी चाहिए, और अन्यथा कोई विकास जो बात। केजरीवाल जी ने राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाया, इस पर आप क्या कह रहे हैं? जी देखो, ये बड़े उनकी मानसिकता का परिचय है, क्यों नहीं बुलाया। हम तो गांधीवाद वाले व्यक्ति हैं, हमें बुलाए तो ठीक है, न बुलाए तो हम देश के लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी
इस देश के लिए है। आगे की भूमिका रणनीति कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरीके की बना रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने? जी जी, कार्यकर्ता आपको यहीं से अंदेशा लग जाना चाहिए। मैं 8 तारीख से बराबर ब्लॉकों की जिम्मेदारी है, बूथों की जिम्मेदारी है। आप कभी आप लोग यहाँ से चल के थोड़ा सा रीडिंग ले कि हर बूथ पर जा रहे हैं। और हम तो सोचते थे कि 1 बूथ 10 यूथ मिलेंगे, हमें तो 1 यूथ पर 100 यूथ मिल रहे हैं। मुझे ताज्जुब लग रहा है भाई, मैं मंच के माध्यम से कह रही हूँ कि जिस तरह से मेरा कार्यकर्ता इसी तरह मेहनत करता रहा। 22 में आप नोट कर लीजिए, 22 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप यकीन मानिए। क्योंकि हमारा नेतृत्व पूरा मजबूती से बूथ स्तर पर लगा है, लखनऊ में नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाके काम कर रहा है, आपको लगता है कि वोट कांग्रेस की तरफ घूमेगा? बिल्कुल, देखो वोट क्यों नहीं, हमें वोट भी नहीं कह रहे, वोट से कहा ही नहीं है। यहाँ तो योगी जी को और मोदी जी को गैया ले डूबेंगी। जो गाय गोबर और मंदिर की बात करते थे तो वो ही उनको ले डूबेगा। गाय बता दो कहाँ, किसान परेशान, किसान से देश बनता क्या है? उसके बावजूद क्या है जी, कांग्रेस तो सिर्फ बात करती है तो गरीबों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, वो किसी जातिवादी का बात नहीं, किसान की बात करती है। और वो ही बात कर रही, जमीन को लेकर वहीं जा रही है। कांग्रेस सिर्फ किसानों की बात करती है। सीनियर लीडर हूँ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का। किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, आज गरीब महिलाओं को जो शहीद हुए हैं उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर आज उनको शॉल और कंबल वगैरह बांटने का कार्यक्रम यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है। और ये कार्यक्रम एक सोशल भी है, जिसमें कि देखिए आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएँ आई हुई हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे कार्यक्रम करती है जो गरीबों के हित में हो, देश के हित में हो। और उसी का ही एक वो प्रोग्राम है ये कि हर साल ये लोग शहीदों की याद में ये कार्यक्रम करते हैं। और इससे प्रोत्साहन भी मिलता है कार्यकर्ताओं को, जनता को। तो कांग्रेस पार्टी जनहित के कार्यों में अपने रहती है, आगे रहती है, और आज भी वो जनहित के कार्य कांग्रेस के जारी है। धन्यवाद। श्री भारत भूषण जी व्यक्ति, श्री मुकेश धनिया जी, हमारे दूसरे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाएं। लेडीज आई है यहाँ पे, पानी भी प्यासी है, किसी को प्यास? 100 लोग बहाने से बुला ले, 100 लोग बहाने से बुलाए, क्या फायदा से बुलाने से? किसी को नहीं मिली यहाँ पे 100 लोग, खाली भाषण दे दिए, अपने अपने भाषण देकर कह दिए बस जाओ अपने अपने घर, नेताओं को दे देंगे 100। हमें क्यों बुलाया फिर यहाँ पे, जब हमारे लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी पीने की? तो अब अपने अपने भाषण दे दिया, बैठे हुए सारे आराम से हैं सभी यहाँ पे। हमसे भी ज्यादा बुजुर्ग औरतें आई हैं यहाँ पे, उन्हें भी तो दिक्कत है पानी की है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।